हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो एक यूट्यूब क्रिएटर को सबसे पहले YT स्टूडियो सही से चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर YT स्टूडियो आप चलाना नहीं जानते हैं गाइज, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना बेकार है। तो आज मैं आपको YT स्टूडियो का पूरा ऑल टू ज़ेड सेटिंग बताने वाला हूँ, पूरा उसका निचोड़ आज निकाल कर रख दूंगा कि क्या क्या कैसे पता चलता है YT स्टूडियो में गाइज आपका इंप्रेशन भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, आपका कौन सा वीडियो सजेस्ट में भेज रहा है, आपके कीवर्ड कौन कौन से सर्च हो रहे हैं ट्रेंडिंग वाले वो कहाँ से पता करते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको YT स्टूडियो सजेस्ट करता है, लेकिन आपको YT स्टूडियो चलाना नहीं आता है गाइज। तो सबसे पहले YT स्टूडियो को ओपन करिए, तो सही से इसका चलाना सीख लीजिए गाइज, क्योंकि जब तक इसको चलाना नहीं आएगा तब तक आपको यूट्यूब पर काम करना बेकार होगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये YT स्टूडियो ओपन हो गया स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, एक बार देखने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ मेरा व्यूज शो कर रहा है स्क्रीन पर, ये वाला व्यूज शो कर रहा है, यहाँ से वॉच टाइम शो कर रहा है, यहाँ से सब्सक्राइबर शो कर रहा है, आपके चैनल का नाम, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं किए होंगे करंट में वो यहाँ दिखाएगा देगा गाइज। ठीक है, देख सकते हैं ये डैशबोर्ड में दिखाई देगा गाइज। ठीक है, नीचे आपको कमेंट जो लेटेस्ट आया होगा वो दिखाएगा। दूसरा है गाइज, यहाँ कमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंटेंट वाला सेकंड का ऑप्शन, कंटेंट वाले ऑप्शन पर जल्दी क्लिक करेंगे तो कंटेंट वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं गाइज कि जितने भी आप वीडियो अपलोड किए होगा वो सारा यहाँ से दिखाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट की जितना भी अपलोड किए हैं शॉर्ट यहाँ से दिखाएगा, उसके बाद लाइव कितने वीडियो किए हैं यहाँ से लाइव दिखाएगा, प्लेलिस्ट कितने बनाए हैं वो दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ से कोई भी वीडियो अगर अनलिस्टेड में रखें या प्राइवेट में रखें उसको ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, शॉर्ट पर जाएंगे, शॉर्ट पर जाने के बाद मोस्ट व्यू पर क्लिक कर देंगे, तो अगर जिस पर ज़्यादा व्यू आया होगा वो वीडियो पहले सजेस्ट करेगा। देखिए, यहाँ से जिस पर ज़्यादा व्यू आया है उस वीडियो को पहले सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले आपको दिखाएगा। और गाइज इसको कट कर देते हैं, ठीक है, मस्ट रिसेंट वाला ही कर देते हैं। और विजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड है शेड्यूल ड्रॉप दिया है। अगर पब्लिक पर करेंगे तो कितने वीडियो पब्लिक हैं वो दिखाई देगा, अगर प्राइवेट वाले पर टिक करके अप्लाई करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जितने भी वीडियो को आपने प्राइवेट में रखा होगा वो सारा दिखाएगा। अनलिस्टेड पर क्लिक करेंगे तो अनलिस्टेड में जितने वीडियो अपलोड करके रखे होंगे वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। ठीक है, वही सही सारा चीज़ ये शेड्यूल वाला और ड्राफ्ट वाला काम करता है। ठीक, उसके बाद गाइज ये व्यूज वाला है, व्यूज कितने, जैसे व्यूज पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नंबर काउंट करने के लिए देगा कि कौन से ज़्यादा व्यूज देखना चाहते हैं, जैसे 2000 से व्यूज से अधिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट ट्रिप देंगे वो वीडियो आ जाएगा गाइज। ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं देखना चाहता हूँ, यहाँ दिखाया इंटर नंबर, इसको आपको बता दिए कैसे करना है। यहाँ से रिस्ट्रिक्शन है गाइज, रिस्ट्रिक्शन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आपने जो भी रिस्ट्रिक्शन सेट किए हैं, सेट फॉर मैट्स ऑफ किड्स नहीं है, मैट्स फॉर किड्स नहीं है, नॉट फॉर मैट्स फॉर किड्स है ना, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज आप चलते हैं सीधा एनालिटिक्स वाले में, क्योंकि एनालिटिक्स वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं एनालिटिक्स ऑप्शन, एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि YT स्टूडियो में सबसे बड़ा रोल इसी का है गाइज। यहाँ देख सकते हैं एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद जो भी व्यू जाएगा गाइज, यहाँ आपका व्यू शो कर रहा है, देख सकते कितने व्यू जा रहे हैं ये यहाँ शो करेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ वीकली रिपोर्ट बताता है, ये वाला बताएगा, फिर नीचे आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, कंटेंट में 28 दिन में कितने वीडियो पर कौन से वीडियो पर ज़्यादा व्यू जाए वो बताएगा, आपको रियल टाइम में कितने व्यू आ रहा है, कौन से वीडियो पर ज़्यादा व्यू जा रहा है ये बताएगा यहाँ। ठीक है, तो आप चलते हैं ऊपर, जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे व्यू वाले ऑप्शन पर, तो ये क्लिक करके आ जाएगा और आपका चैनल को पता चलेगा कि कितना चैनल हमारा ग्रो हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ से दिखाएगा। 90 डेज का डाटा, 365 डेज का डाटा देख सकते हैं, अक्टूबर का डाटा यहाँ से देख सकते हैं, नवंबर का डाटा देख सकते हैं कि क्या मेरे वीडियो पर परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ वॉच टाइम दिखाई दे रहा है, किस टाइम में वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ा वो दिखाएगा, यहाँ से सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं वो दिखाएगा, यहाँ से एस्टिमेट रेवेन्यू आपका दिखाई देगा गाइज। ठीक है, उसके बाद गाइज सिंपली यहाँ से जो वीकली रिपोर्ट हेयर है इस पर क्लिक करेंगे, इजिली जस्ट क्लिक करेंगे तो कौन सा वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है लास्ट वीक में, एक वीक में वो बताएगा, यहाँ कितने व्यू आ रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइबर की गाट न्यूज 67 न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, क्या टॉपिक सर्च हो रहा है आपके वीडियो पर, यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब चैनल पब्लिक कैसे करते हैं, ये सारा आपको कीवर्ड सर्च हो रहा है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सर्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कौन से वीडियो को लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हैं ये यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ से देख सकते हैं कितने पर ज़्यादा व्यू जा रहा है, लाइक आ रहा है, ये सारा चीज़ कितने लोग शेयर करें ये दिखाएगा। उसके बाद कौन सा वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ये वाला वीडियो हमारा ज़्यादा देख रहे हैं, टिक लग गया। उसके बाद यहाँ से आकर डन पर क्लिक कर देंगे, ये इस तरह से आप इजीली देख सकते हैं, ये टॉप कंटेंट है इस पर क्लिक करेंगे, 28 दिन का डाटा आप देख सकते हैं कि कौन से वीडियो को ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, इसमें से आप पता कर सकते हैं 90 डेज 365 डेज का। ठीक है, उसके बाद सिंपली गाइज ये तो हो गया गाइज, अब सीधा आपको ओवरव्यू में था, अब सीधा आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में चलना है। जैसे कंटेंट वाले ऑप्शन में चलेंगे गाइज तो देख सकते हैं कि कितने व्यू जा रहा है मेरे वीडियो पर, जैसे ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल में ऐसे दिखाएगा न्यू व्यूअर शॉर्ट पर इतने व्यू आ रहा है, वीडियो पर 7 व्यू, लाइव स्ट्रीम पर इतने व्यू आ रहा है। ठीक है, लास्ट 28 डेज में कितने व्यू आ रहा है, शॉर्ट पर इतना व्यू आ रहा है, वीडियो पर इतना व्यू आया है, लाइव स्ट्रीम पर इतना व्यू आया है, पब्लिक कंटेंट 15 वीडियो ने पब्लिश, 28 दिन में 15 वीडियो ने पर हमने पब्लिश किया, जैसे ये वीडियो दिखा रहा है 15 वीडियो हमने पब्लिश किया है लास्ट 28 डेज में, 60 को 9 अपलोड किया है, लाइव स्ट्रीम 2 किया है, फिर ये 60 पर इतने परसेंट लोग वॉच कर रहे हैं, वॉचिंग टाइम बहुत 6% है, वीडियोज पर 0% है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ 60 पर कितने व्यू आ रहे हैं 28 डेज में, वीडियो में 30 से 50, कीवर्ड यूट्यूब सर्च से 83% व्यू आ रहा है, ब्राउज फीचर से इतना व्यू जा रहा है देख सकते हैं स्क्रीन पर, 60 फीट से इतना व्यू आ रहा है, सजेस्ट वीडियो से इतना आ रहा है, अदर से इतना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि टॉप रिमिक्स व्यू दिखाई दे रहा है, रिमिक्स व्यू क्या होता है, जो भी आप वीडियो अपलोड किए हो शॉर्ट ये हो लॉन्ग, उसको कॉपी कर कोई आपका आवाज़ थोड़ा सा शॉर्ट बना लेता है वो रिमिक्स व्यू में काउंट होता है गाइस। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, होने के बाद सीधा यहाँ रिटर्न पाएंगे, रिटर्न व्यूअर कितने आ रहे हैं, शॉर्ट पर आपके 4000 रिटर्न व्यू आ रहे हैं 28 डेज में, वीडियो पर 209, लाइव स्ट्रीम पर 39। ठीक है,
सब्सक्राइबर पर इतने व्यू आ रहे हैं, वीडियोज़ पर इतने, लाइव स्ट्रीम पर इतने सब्सक्राइबर किए हुए हैं, ठीक है आप देख सकते हैं। उसके बाद वीडियोज़ पर दिखाएंगे, ये वीडियो वाला तो अभी बताया, लास्ट 28 डेज में इतने वीडियो पर व्यू जा रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या क्या आपको व्यूअर फाइंड कर रहा है। यूट्यूब सर्च ब्राउज फीचर सजेस्ट वीडियो से आपका व्यू आ रहा है, यूट्यूब सर्च से आपका व्यूअर आ रहा है, कंटेंट सजेस्टिंग से आपका व्यूअर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से भी व्यूअर बढ़ रहा है। अगर आप प्लेलिस्ट ऐड नहीं किया तो प्लेलिस्ट से आपका वीडियो नहीं आ रहा। आपका यहाँ ऑडियंस रिटेंशन बता रहा है कि लास्ट 365 डेज में कौन से वीडियो का टॉप मूवमेंट है, यहाँ से टॉप मूवमेंट ये वाला वीडियो है, स्पाइक कितने लोग किए हैं, स्पाइक का मतलब छोड़ना, डिप्स का मतलब भगा भगा कर लो कितने लोग देखेंगे, सारा चीज़ बताता है, ठीक है यहाँ से देख सकते हैं इजीली। उसके बाद गाइस सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आएंगे तो इंप्रेशन कितने लोग भेजे हैं, तो 43,500 के पास इंप्रेशन गया है मेरे वीडियोज का, लॉन्ग वीडियो का गाइस, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कितने लोग क्लिक थ्रू रेट किए हैं, 2.5% लोग क्लिक थ्रू रेट किए हैं उस वीडियो पर, ठीक है। उसके बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, 1 मिनट 14 सेकंड लोग लगातार वॉच कर रहे हैं, ठीक है ये बता रहा है। उसके बाद शॉर्ट पर चलते हैं, तो शॉर्ट पर देख सकते हैं कितने व्यू आ रहा है, इसका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो गया है शॉर्ट का, देख सकते हैं इसो इन फीड 1.1 लाख के पास ये इसका भेजा गया था इस वीडियो को, और इसमें से कितने लोग देखें, इतना लोग देखे हैं, कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग स्वाइप कर रहे हैं, तो 76% लोग देख रहे हैं और 23% लोग स्वाइप कर दे रहे हैं शॉर्ट को, ठीक है। शॉर्ट 28 जन में शॉर्ट पर ये व्यू आ रहा है, फाइंड यूट्यूब सर से इतना भी आ रहा है, ब्राउज फीचर से इतना, यूट्यूब सर से इतना आ रहा है, कंटेंट सर्च इतना, एक्सटर्नल सोर्स से इतना आ रहा है, और टॉप रिमिक्स आपको बताया था वही चीज़ है, ठीक है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद गाइस ऑडियंस पर देख सकते हैं, यहाँ से ऑडियंस पर मैंने क्लिक किया है, आपके 4,000 मतलब रिटर्निंग व्यूअर आ रहे हैं, यूनिक व्यूअर आपका थोड़ा सा डाउन हुआ है इस 28 डेज में, आपने काम नहीं किया होगा यूट्यूब पर, आपके सब्सक्राइबर इतने बड़े हुए हैं। फिर आपको यहाँ नीचे दिखा रहा है कि आपको कब वीडियो को पब्लिक करना चाहिए, आपका यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है, वेन व्यूअर आर यूट्यूब का टाइमिंग है, ठीक है इस टाइम कुछ किस चीज के लोग ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ शो कर रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको। उसके बाद जेंडर कितने देख रहे हैं, फीमेल कितने देख रहे हैं आपकी वीडियो को, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। आपकी वीडियो किन किन देशों में देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में देखी जा रही है। आपके सब टाइटल नो सब टाइटल कितने हैं, वॉच टाइम कितना हुआ है, देख सकते हैं ये दिखा रहा है। आपकी वीडियो पर आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, तो इससे रिलेटेड इस तरह की आपकी वीडियो देखना पसंद करती है आपके यूट्यूब पर, ठीक है। और यहाँ से आपके कितने चैनल वाले देख रहे हैं, ये 2 चैनल वाले हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी 28 डेज में, ठीक है। यहाँ से आपके फॉर्मेट व्यूअर में वॉच काउंट होता है, ठीक है। यहाँ से रिवेन्यू बताता है गाइस, ठीक है। ये जो नया ऑप्शन आया है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं यूजुअली गाइस, ठीक है। उसके बाद हम फिर यहाँ से आते हैं, देख सकते हैं कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे, सारा प्रोसेस आपको बता दिया। लाइव देख सकते हैं यहाँ से लाइव कितने लोग किए हैं, तो कितने व्यू आ रहा है, इतना आ रहा है। पोस्ट पर कितने लोग आ रहा है, पोस्ट अभी थोड़ा सा पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से पोस्ट डाउन है, 112 लाइक गया है और 2 सब्सक्राइबर आए हैं 28 डेज में, देख सकते हैं पोस्ट, ठीक है। उसके बाद सीधा रिसर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर गाइस, किनारे आपको रिसर्च वाला दिखाई दे रहा है। रिसर्च का बड़ा मेन रोल है गाइस वाइटी स्टूडियो में, रिसर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस तो देख सकते हैं कि किस तरह का कीवर्ड सर्च हो रहा है, कि हाउ टू क्रिएट चैनल लेटेस्ट वीडियो, इस समय यूट्यूब पे चैनल से लेटेस्ट वीडियो कौन सा है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कि इधर आपको हाउ टू वीडियो ऑन यूट्यूब फ्रॉम सैमसंग, ये सारा चीज़ कीवर्ड सर्च हो रहा है, न्यू कैटेगरी रिसेंट वीडियो किस तरह का टॉपिक आ रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस स्क्रीन पर। उसके बाद सिंपली यहाँ से इजीली आप देख सकते हो, उसके बाद देख सकते हैं कि आपका वीडियो यहाँ दिखा रहा है कंटेंट गैप फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में आपका कौन सा कंटेंट गैप हो रहा है, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो ऑन गूगल, गूगल पर वीडियो को रैंक कैसे कराते हैं, प्रोवीन स्टडीज गेट माय यूट्यूब व्यूअर पाने के लिए उसमें कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ये कीवर्ड सर्च हो रहा है, हाउ टू रैंक वीडियो फास्ट, अपनी वीडियो को रैंक फास्ट कैसे कराएं, ये सारे कीवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सर्च क्या हो रहा है, हाउ टू रैंक योर वीडियो इन यूट्यूब सर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको फीचर यहाँ से देखने को मिलता है रिसर्च से, रिसर्च से आपको टॉपिक फाइंड करने का ऑप्शन मिलता है। फिर कंटेंट वाले ऑप्शन में आते हैं, अब आपको पता चलेगा कि कीवर्ड कैसे सर्च हो रहा है। इसको मैंने मान लिया सपोर्ट मेरा ये वीडियो है, मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑडियंस रिटेंशन है, मेरी वीडियो का ड्यूरेशन है 1 मिनट 25 सेकंड लोग वीडियो को वॉच करें, मेरा वीडियो का ब्राउज फीचर से इतने सजेस्ट वीडियो से इतने व्यू आ रहा है, ठीक है। रीच में चलेंगे गाइस, सेकंड वाला ऑप्शन रीच दिखाई दे रहा है, इंप्रेशन आपके यूट्यूब भेज रहा है, 1700 लोगों के पास इंप्रेशन भेजा है, कितने लोग देखें उसमें से इतने लोग देखें, ब्राउज फीचर से इतना, सजेस्ट वीडियो से इतना, नोटिफिकेशन से इतना, चैनल पे से इतना, ठीक है। और ये एक्सटर्नल शॉर्ट और यूट्यूब सर्च टाइम अभी अवेलेबल नहीं है गाइस। और आपकी वीडियो कौन सा सजेस्ट कर रहा है, देख सकते हैं कि मेरा ये एक वीडियो है, ये वीडियो सजेस्ट कर रहा है यूट्यूब इसके नीचे, उसके बाद ये किसी दूसरे का वीडियो है, ये भी किसी दूसरे का वीडियो है, ये भी किसी दूसरे का वीडियो है, ठीक है। आपके नीचे वीडियो को सजेस्ट करता है, सिंपली देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने कोई बनाया नहीं तो प्लेलिस्ट यहाँ दिखा नहीं रहा गाइज। उसके बाद यहाँ से इंप्रेशन 3% पर क्लिक थ्रू रेट है गाइज, और 60 लोग वीडियो को देखे हैं, ठीक है यहाँ से देख सकते हैं, और 54 लोग यूनिक व्यूअर हैं, मैंने नए व्यूअर हैं। उसके बाद एंगेजमेंट पर जस्ट क्लिक करेंगे गाइज, एंगेजमेंट पर क्लिक करके आपको वॉच टाइम पता चलता है कि वॉच टाइम आप इस वीडियो से कितना मिला, तो 1.4 इस वीडियो से वॉच टाइम मिला है। ऑडियंस रिटेंशन आपको पता चलेगा कितना मिला है। उसके बाद यहाँ से एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल जाता है कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जैसे यहाँ से ग्राफ दिखा देगा कि यहाँ से वीडियो इतना गया था, फिर इतना गया था, फिर इतना गया था, फिर यहाँ से डाउन हो गया, ये पता चलता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट बता दुआ हूँ। और लाइक में यहाँ देख सकते हैं, लाइक डिसलाइक आपको पता चलता है कि चैनल का एवरेज कितना है, 96% सही है, वीडियो को अपलोड करने के बाद 100% लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ये आपको पता चलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।